जी हाँ, चैनलों में तो ये होता है कि साहब बहुत झूठ चल रही है आजकल, तो सच्चाई की तरफ ध्यान थोड़ी देते हैं। जैसा आज आप गांव में आ गई हैं, गांव में आकर के वास्तविकता के जायजा नहीं लेते, सिर्फ अफवाहों में ना काम चलता है। किस तरह की अफवाहें थोड़ा बताइए। जैसा कि किसी ने व्हाट्सएप में डाल दिया कोई भी चीज़ को, सच हो या झूठ, उसके तरफ में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वास्तविकता पर नहीं जाती कोई भी मीडिया हो। आज मैं पत्रकारिता में जा रहा हूँ, पत्रकारिता में यह होता है कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपका कोई काम नहीं होता। पत्रकार वो होता है जो गरीबों का साथ दे। बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? मैं तो देख रहा हूँ ना, वास्तविकता में थोड़ी जाते हैं। पत्रकार तो पैसा मांगते हैं, पैसा दो हमारा काम करने के तैयार हैं हम। विज्ञापन के लिए पैसा लिया जाता है, विज्ञापति आप निकाले, विज्ञापति निकाली आप, पैसा लिया जाता है आपसे, बिना पैसे के तो विज्ञापन नहीं निकाला जाता। वास्तविकता आजकल के पत्रकार क्या है, गाँव पर आते हैं क्या, किसी ने जिसने जो बताया उस हिसाब से कर लेते हैं। दूसरी चीज़ यही, आज मैं विकास की तरफ चलता हूँ। 15 साल में मेरा ऐसा अंदाज है, कांग्रेस के शासनकाल में 1998 पे यहाँ पर नियुक्ति हुई थी उर्दू शिक्षकों की। इसके बाद में जब बीजेपी का शासनकाल आया, उसके बाद में आज से 10 साल हो चुके हैं, यहाँ से कम मैं 3 बार फैक्स कर चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ, यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनको भी दिया गया था, यहाँ तक के उर्दू सब्जेक्ट हमारे पूरे सिवनी ज़िले का उर्दू सब्जेक्ट जो है इसको पोर्टल से ही उड़ा दिया गया। हमारे जो प्रभारी बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष समीनास, इन्होंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, उर्दू सब्जेक्ट के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, आज तक के कुछ नहीं। ये बहुल गांव है हमारा, और जहां जहां उर्दू सब्जेक्ट नियुक्त हुआ था वहां से पूरी शिक्षकों को उनको बुला लिया गया। मेरे साथ में 2-3 बार चिकल्ले सुनी उनकी, उन्होंने बोल दिया क्या राजनीति कर रहा हूँ, इनके राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप पहले यहाँ नियुक्त कीजिए उसके बाद में आप उसको रिलीव कीजिए यहाँ से, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं। आज 15 साल होगा मैं यहाँ पर, अपने चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, सबको आवेदन दे चुका हूँ, जिसके मेरे पास में रिसीप, आप कहो तो मैं आपको रिसीप दे सकता हूँ उस चीज़ की। अभी पर कांग्रेस की शासनकाल पे हमने भी आवेदन दिया, ऐसा नहीं है, हमारे प्रभारी मंत्री को भी दिए हैं, अभी प्रभारी मंत्री आए थे सुखदेव पासे जी, उनको भी आवेदन दिया गया हमारे तरफ से, मगर अभी तक के कोई सुनाई नहीं। ये सत्र चालू हो जाएगा, हमारे उर्दू शिक्षक यहाँ उर्दू के माध्यम से, मान के चलो हम लोगों ने जोर लगा करके अतिथि शिक्षक रखे, अतिथि शिक्षक, वो भी यह है कि जब तक पोर्टल में नहीं होगा तो भाई आपके यहाँ अतिथि शिक्षक नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ मिडिल हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग चाहिए। पहले तो शासन ये कहता रहा कि आपके यहाँ भूमि नहीं है, भूमि नहीं है। जब हमारे पूरे गाँव वालों ने, पूरी जमात ने मिल करके हमारे अंजुमन की ज़मीन को, उसको भूदान किया, आज जिसके कागज पत्थर सब बन चुके हैं, उसका नेट में चढ़ चुका है, सब कुछ नाम हो गया, उसके बाद भी हमें बिल्डिंग मुहैया नहीं करवाई गई शासन द्वारा। इस तरीके से तो ये भ्रष्टाचार, जब तक के पैसा नहीं खिलाओगे तो कुछ नहीं होता है। हमें तो ये उम्मीद लग रही है कि हम अगर शासकीय चीज़ के लिए भी दें तो उसमें भी हमको पैसा लगता है, क्या ये होना चाहिए क्या? तो गलत सही तो बहुत कम हो रहा है भैया दुनिया में, गलत ही ज़्यादा चल रहा है। हाँ, गलत ही ज़्यादा चल रहा है, मगर उसके तरफ मीडिया थोड़ी जाता है ना, इसके तरफ मैं तो फिर ये बात बोल रहा हूँ कि मीडिया उसके तरफ नहीं जाता। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हाँ, तो मीडिया को मैं बता रहा हूँ ना, मीडिया सच्ची बातों को छुपाता है और झूठी बातों को ज़्यादा उछाल के लेके आता है सामने। मैं कम से कम पेपर में भी दे चुका हूँ इस चीज़ के लिए, और मेरा संदेश 15 साल से मैं उसके लिए दौड़ धूप कर रहा हूँ। मेरे पास अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी का पिछले मरतबा दौरा हुआ था, उस टाइम में भी विधायक जी के द्वारा दिया गया है सामने से, मगर कुछ नहीं। विधायक जी ने, हमारे पूर्व विधायक जो है रजनी सिंह ने, इसको विधानसभा में भी उठाए, पटल में रखा इस चीज़ के लिए, मगर कोई सुनाई नहीं हुई। अब देखते हैं कांग्रेस का शासनकाल आया, देखते हैं होता है कि नहीं होता, नहीं होता तो फिर हम लोग पूरे गाँव वाले धरने पर बैठेंगे। क्या है, एक ही चारा हमारे पास में, और कुछ नहीं है, या तो हम स्कूल को बंद करवा दें या तो हम धरने पर बैठें, दो चीज़ें हमारे पास ऑप्शन रहेगा। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय कमलनाथ जी, अगर ये बात उन तक पहुंचती है तो मेरा ये चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि हमारी बात को उन तक पहुँचाएंगे। पर आपको लगता है उन तक हम बात पहुँचाएंगे तो वो सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनना है उनको, तो नहीं सुनेंगे तो फिर तो हम तो धरने में बैठेंगे ना, ये सत्र में हम लोग स्कूल बंद करवा देंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम स्कूल नहीं चलने देंगे। क्या क्या मांगे फिर से? ये मांगे हमारी सबसे पहले कि हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग चाहिए हमको, उर्दू सब्जेक्ट का पूरा जहाँ जहाँ पोर्टल में नहीं चढ़ा उनको तत्काल पोर्टल में चढ़ाया जाए, जहाँ जहाँ नियुक्ति हुई थी
1998 पे, वहाँ पर तत्काल शिक्षा कर्मियों को नियुक्त किया जाए उर्दू सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही उर्दू, पढ़ाई उर्दू की बिल्कुल नहीं हो पा रही, हो भी रही है तो अतिथि शिक्षा को जबरदस्ती का चल रहा है यहाँ पर। यहाँ यहाँ ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे केवलारी सेक्टर को, सिवनी ब्लॉक में, सिवनी ब्लॉक में पूरा। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ हमारे उर्दू इंचार्ज जो हैं समीनास, इनको सबसे पहले उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि उनकी ही अनियमितता है जो आज हमारे को ये भोगना पड़ रहा है। वो कहाँ बैठते हैं? सिवनी में। क्या नाम? उर्दू इंचार्ज है समीनास। आप बच्चा, आप लोग उर्दू पढ़ते हैं कोई? यहाँ तो उर्दू सब्जेक्ट चल ही रहा ना मैडम, अतिथि में चल रहा है, अतिथि में चल रहा है, जबकि पोर्टल से इसको उड़ा दिया गया है। ये तो पूरा बाहुल गाँव है ना, मुस्लिम बाहुल गाँव है ये पूरा। अब अपन चलते हैं, जो समस्या है स्कूल की हमारी उसको देख लेते हैं। चलो चलिए।